हाय फ्रेंड्स, इट्स मी विवेक कुमार नोर वॉचिंग गैदर मास 99। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ नोकिया के दो सेम रेंज के फ़ोन का। तो पहला फ़ोन का नाम है 5310, नोकिया 5310, जिसे हम एक्सप्रेस म्यूजिक से भी जानते हैं, और दूसरा फ़ोन का नाम है 8110, जिसको हम बनाना फ़ोन से भी जानते हैं। तो आज वीडियो में यही बताएंगे कि आपको कौन सा फ़ोन बढ़िया होगा खरीदने के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा एक सब्सक्राइबर का चैनल है जिसका कि नाम टेक्निकल शिवम जी है, वो भी इसी तरह का कंटेंट अपलोड करता है। तो अगर आपको पसंद आए तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे फ्रेंड्स, मैं इन दोनों फ़ोनों का कीमत का बात करूं तो नोकिया 5310 का आपको पड़ जाता है 3400 रुपये कुछ, और आपको नोकिया 8110 आपको पड़ जाता है इसका 3000 रुपये स्टार्टिंग प्राइस है फ्लिपकार्ट पे है। तो सबसे पहले स्पेसिफिकेशन का बात करते हैं नोकिया 5310 का। तो इसका डिस्प्ले आपको 2.4 इंचेज का मिलता है, जो कि 240x320 का रेजोल्यूशन है इस डिस्प्ले का। और वहीं पर नोकिया 8110 आपको उसमें मिल जाता है 2.45 इंचेज का, सेम रेजोल्यूशन है 240x320 का। अब वहीं पे बैटरी की बात करें दोनों फ़ोनों में, तो नोकिया 5310 एक्सप्रेस म्यूजिक है जो कि उसका बैटरी आपको 1200mAh का है, जो कि रिमूवेबल बैटरी है। और वहीं पे नोकिया 8110 की बात करें बैटरी का, तो उसमें 1500mAh का बैटरी है जो कि नॉन रिमूवेबल है, जिसका का मतलब ये होता है कि आप नोकिया 8110 में आप बैटरी रिमूव नहीं कर सकते हैं। और अब बात करते हैं दोनों फ़ोन में रैम का। तो नोकिया 5310 में आपको 8MB का रैम मिलता है, और वहीं पे नोकिया 8110 बनाना फ़ोन उसमें आपको 512MB का रैम मिलता है। मतलब आपको यहाँ पे देख सकते हैं नोकिया 5310 से बहुत ही ज़्यादा आपको रैम मिल रहा है नोकिया 8110 में। और अब स्टोरेज की बात करते हैं दोनों फ़ोनों में, तो नोकिया 5310 में आपको 16MB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है, और वहीं पे नोकिया 8110 में आपको 4GB का स्टोरेज मिलता है, जो कि फ़ोन में आपको अवेलेबल होगा उतना स्पेस। तो अब बात करते हैं दोनों फ़ोनों में प्रोसेसर का। तो सबसे पहला नोकिया 5310 में आपको मिल जाता है मीडियाटेक का प्रोसेसर, जो कि 500MHz का कुछ पे काम करता है यह प्रोसेसर। तो ये ठीक है अपने हिसाब से, अपने जगह पर यह ठीक है प्रोसेसर। और वहीं पे बात करते हैं अब नोकिया 8110 का, तो इसमें 1.1GHz का डुअल कोर प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि स्नैपड्रैगन का 205 का चिपसेट पे बेस्ड है। तो ये भी अपने जगह पे सही है प्रोसेसर। दोनों फ़ोनों में कैमरे की बात करें तो नोकिया 5310 में आपको मिल जाता है कैमरा 0.3MP का, वहीं पे आपको नोकिया 8110 में आपको मिल जाता है 2MP का कैमरा। और अब ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो नोकिया 5310 में आपको मिलता है ब्लूटूथ 3.0, और वहीं पे आपको नोकिया 8110 में मिलता है ब्लूटूथ का वर्जन 4.1। तो मतलब ये है कि यहाँ पे नोकिया 8110 का ब्लूटूथ का वर्जन थोड़ा बढ़िया है, लेटेस्ट है इसके हिसाब से नोकिया 5310 का। और अब OS का बात करें, दोनों में ऑपरेटिंग सिस्टम का बात करें फ़ोन में, तो नोकिया 5310 में आपको मिल जाता है सीरीज 30+ का ऑपरेटिंग सिस्टम, और वहीं पे नोकिया 8110 में आपको मिल जाता है काय OS, जिसका मतलब कि आप इसमें YouTube डाउनलोड कर सकते हैं, WhatsApp डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें ढेर सारे नए नए ऐप्स इसमें डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको काय OS स्टोर दिया गया है। तो आप नए नए ऐप्स, गेम्स और बहुत सारे चीज़ इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब दोनों फ़ोनों का सबसे मेन चीज़ नेटवर्क है। तो अब नेटवर्क की बात करें नोकिया 5310 में, तो आपको इसमें मिल जाता है 2G नेटवर्क, यानी कि आप इसमें 2G नेट यूज कर सकते हैं नोकिया 5310 में। और वहीं पे नोकिया 8110 में आपको मिल जाता है 2G, 3G, 4G, आप इसमें से कोई सा भी आप यूज करें, करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। तो मेनली यूज आप इसमें 4G करिएगा तो आपका इसमें 4G ठीक ठाक बढ़िया से चल जाएगा। GPS की बात करें दोनों फ़ोनों में, तो आपको नोकिया 5310 में GPS नहीं मिलता, जैसा कि ये आपको उस तरह का फीचर अवेलेबल नहीं कराता है नोकिया 5310। और नोकिया 8110 में आपको GPS मिल जाता है, तो आप इसमें गूगल मैप्स भी यूज कर सकते हैं। अब दोनों फ़ोनों में सिम टाइप की बात करें, तो आपको दोनों फ़ोन डुअल सिम में आता है, दोनों फ़ोन डुअल सिम में अवेलेबल है।
और बात करें नोकिया 5310 में, तो आपको इसमें मिनी सिम लगता है, दोनों सिम आपको मिनी ही लगेगा, और नोकिया 8110 में दोनों सिम आपको नैनो ही लगेगा। तो दोनों फ़ोनों का स्पेसिफिकेशन देखने के बाद तो मैं कहूँगा, अगर आपका रेंज है, प्राइस रेंज आपका 3,000-3,500 के आसपास है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप नोकिया 8110 लें। आप नोकिया 5310 ले सकते हैं, लेकिन आपको कोई ज़्यादा खास आपको उसमें नहीं मिलता है, तो इसीलिए मेरा सजेशन है कि आप नोकिया 8110 लेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। और आपको जैसा आप स्पेसिफिकेशन देख ही लिए होंगे, तो नोकिया 8110 में कहीं ज़्यादा नोकिया 5310 से स्पेसिफिकेशन मिल जाता है, तो आपको नोकिया 8110 बढ़िया होगा नोकिया 5310 से। तो बस फ्रेंड्स, आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको कोई भी सवाल हो नोकिया फ़ोन से रिलेटेड, या कोई भी फ़ोन या फिर कोई भी गैजेट से रिलेटेड, तो मुझे नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं।